ये देखो क्या हो गया है। ओ शिट यार, इस शॉप के सामने, शॉप के बाहर ये देखो क्या हो गया है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आपका फ्रेंड विकी, आपके अपने चैनल विकी की मैं स्वागत करता हूँ। तो अभी तैयार हो गए हैं और अभी हम जाएंगे शॉप खोलने। तो मैं उससे पहले दिखाता हूँ हर्ष क्या कर रहा है। हर्ष की शैतानियां दिन ब दिन बढ़े आ रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हर्ष की बदमाशी, इसका पॉट है ये, उसके साथ खेल रहा है। इसकी बदमाशियां चल रही है। हर्ष हर्ष क्यों कहता पे तू, ये देखो कितना खुश हो जाता है। ये देखो इधर बदमाशियां ना दिन ब दिन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये देखो पलटी कर रहा है उसको, अब बैठ जाता है और क्रॉल भी करने लग जाता है। देखो इसको समझ नहीं आता मैं बदमाशी, ये देखो क्रॉल कर रहा है। ये देखो क्रॉल करने स्टार्ट कर दिया है। वो खाना देखता है ना तो उसकी तरफ भागता है कि मुझे भी खिलाओ। ये देखो दीदी उसको खिला रही है बाइट। ओह वेरी गुड, मजा आ गया, टेस्टी, अरे वाओ वाओ। ओ दोस्तों ये देखो क्या हो गया है। ओ शिट यार, इस शॉप के सामने, शॉप के बाहर ये देखो क्या हो गया है। ये हमारी शॉप है और ये जेसीबी ने खोद दिया है गड्ढा, तो इधर सारा ब्लॉक हो गया। हम किसी तरह निकलने की कोशिश करेंगे। ये देखो पूरा खोद दिया है। ये देखो जेसीबी खड़ी है और हम कैसे जाएंगे, ये क्या हो गया दोस्तों समझ नहीं आ रहा। तो बहुत ही, चलो अभी हम जाएंगे यहाँ से शॉप की तरफ। तो ये काम चल रहा है तो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों पापा आए अभी, और पापा किस तरह से आएंगे वो नहीं पता लग रहा। इधर से शायद कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी मिट्टी का रास्ता बना के किस तरह आने की कोशिश करें। ये देखो जेसीबी ने सारा का सारा उखाड़ दिया। ये मजदूर फोटो खिंचवा रहे हैं और हमारा सारा ब्लॉक हो गया है पूरी तरह से। पापा ने लगता वहीं पे रख दिए। उधर दूर में आपको जूम करके दिखाता हूँ, उधर ही पापा ने पार कर दिए एक्टिवा, और आपको नजदीक से दिखाते हैं कि क्या हुआ है। तो ये बहुत ही, मतलब बहुत ज्यादा गड्ढा खोदा इन्होंने। ये देखो आपको अच्छी तरह दिखाते हैं, ये क्या हो क्या रहा है एक्चुअल में। ये देखो अच्छा पाइप कनेक्ट हो रहे हैं। ये देखो पाइप पूरे का पूरा कनेक्ट किया है, और कितना मेन रोड देखो, कितनी चौड़ी परत है जो तोड़ दी है, और पूरा पूरा मतलब खोद के पाइप बिछाया जा रहा है इसके अंदर। तो आप देख सकते हो लोग भी, पापा वहां से आ रहे हैं और लोग साइड से गुजर रहे हैं। उसको मिट्टी का ढेर लग गया हमारी शॉप के बाहर। तो बहुत ही मतलब कि सीवरेज पाइप है या दूसरे पाइप, पानी की पाइप है ऐसा कुछ है। और ये L&T कंस्ट्रक्शन जो इंडिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन है, उसको ये मिला हुआ है ना काम करने के लिए। चलो अभी हमें रूटीन के अकॉर्डिंग अपनी शॉप को ओपन करना ही है, ठीक है। चलो उसे ओपन करते हैं, और कस्टमर कैसे आएंगे वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है, बट हमें ओपन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि जो हाल है पूरी तरह ब्लॉक है, कहीं से ओपन नहीं है रास्ता। तो चलो एक बार ओपन करते हैं शॉप को। और चीज दिखाता हूँ, ये कंस्ट्रक्शन वालों ने बोर्ड यहीं पे हमारे रखवा दिया था, बिना अनुमति के अंदर आना सख्त मना है। तो इसको भी हम बाहर अभी निकालते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये मिट्टी उखाड़ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं काम, तो दिखाया जाए सारा का सारा कंस्ट्रक्शन का काम कैसा चल रहा है सारा का सारा ना। ये देखो कितनी गहराई तक जेसीबी जिसे नहीं पता है वो देख सकते हैं जेसीबी कैसे मिट्टी उखाड़ती है, और किस तरह से मतलब कि देखो कितनी सारी मिट्टी उखाड़ के एक साथ मतलब कि गड्ढा कितना ज्यादा खोद देती है। आपको मैं दिखाता हूँ ये सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मैं गिरूं ना, मैं लेकिन नजदीक जाके आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखो कितना ज्यादा गड्ढा हो गया। ये देखो जेसीबी का काम, और ये मेरी शॉप अभी मैं खोल रहा हूँ। मैं बोला एक बार आपके लिए वीडियो जरूर बना लूँ। ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो काम कर रहे हैं सारे के सारे, और ये L&T के कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स हैं। ये देखो जिस तरह से ये गड्ढा, और कितनी जल्दी काम हो रहा है। आप देखो ये मेन सड़क के कितनी परत है, कम से कम 12-13 फुट 15 फुट की, नहीं 15 इंच मोटी परत है सड़क की उसके, और नीचे देखो किस तरह से ये काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। ये देखो चलो हम चलते हैं अपनी शॉप की तरफ। अब हम ओपन करते हैं अपना ना, और स्टार्ट करते हैं अपना काम। हमने बोर्ड यहीं पे रखना पड़ेगा क्योंकि उधर रास्ता नहीं है। ये देखो आगे बढ़ रही है, और उधर सारे बोर्ड लग रखे हैं, बहुत
पर पीछे से ही आ रही है, तो आज का दिन तो ब्लॉक ही है, संडे वाला दिन है, पर पूरे की पूरा ब्लॉक हो रखा है। चलो आगे मैं आपको दिखाता हूँ इस तरह की ये मिट्टी कैसे भरते हैं और कैसे प्लेन हो पाता है कि नहीं, पहले जैसा हो पाता है कि नहीं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ ये पाइप कैसे इंस्टॉल करें, कैसे डाल रहे हैं। देखो हम मेन रोड है और मेन रोड में कैसे पाइप लेके आते हैं ये लोग। ये देखो ये दो बंदे ना मैनेज कर रहे हैं आगे से, और कैसे जेसीबी ने क्रेन है ये ACE इसे कहते हैं, ACE जेसीबी अलग होती है, ACE अलग होती है। ये देखो काम चल रहा है इनका और बहुत डेंजरस काम होता है इनका। L&T बहुत ही मतलब कि फेमस कंपनी है और इसका मतलब अगर बोला जाए ना कि वर्ल्ड क्लास लेवल का इनका काम होता है और इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी अगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी की बात करते हैं तो भी L&T ने ही बनाई है, और जो न्यू पार्लियामेंट बन रहा है वो भी L&T ही बना रही है। तो इसलिए मतलब कि बोला जाए तो L&T बहुत ही मतलब बड़ी का ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी कंपनी है जो मतलब कि इंडिया दी, हाँ इंडिया की सबसे बड़ी है। पापा बता रहे हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी है। तो ये देखो किस तरह से, पर ये हमारे सामने पूरा वो हो गया ना एकदम, मतलब रास्ता ही ब्लॉक हो गया। कस्टमर तो अभी मतलब हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि आएगा कैसे। वो देखो क्रेन नहीं खड़ी है जो मिट्टी को लेवल कर देंगे, ठीक है। तो वो जब आती है तो मैं उसका भी दिखाता हूँ, अभी फिलहाल मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये देखो किस तरह से लोग मतलब ये डाल रहे हैं ना, देखो कैसे कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये देखो एक के अंदर मतलब पाइप के अंदर ना उसका फेस कवर करेंगे, बहुत डेंजरस काम, बहुत डेंजरस, वेरी डेंजरस। ये देखो दोस्तों, तो देखा दोस्तों मतलब कि कैसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कंस्ट्रक्शन ये है मतलब कि हमारे यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा वाटर मतलब कि टैंक लग रहा है, मतलब कि बोलते हैं ना कि बहुत बड़ी टैंकी बन रही है, बहुत ही ज्यादा बड़ी। तो उससे एक कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे पाइपलाइन नहीं थी तो पाइपलाइन भी छाड़ी जा रही है, वाटर पाइपलाइन। तो उसके लिए मेन रोड से ही गुजारे जा रहे हैं और ये बहुत बिजी रोड है, और संडे का दिन होता है तो संडे को कम से कम नहीं तो 20 से 30 हजार लोग इस रोड से गुजरता है। रीजन ये है कि तल्लन साहिब जलंधर का सबसे फेमस गुरुद्वारा, जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, तो वहां पे लोग मतलब कि दूर दूर से आते हैं और वहां जाते हैं, और कम से कम 20 से 30 हजार लोग आ ही जाते हैं, है ना। तो इसीलिए मतलब ये बहुत बिजेस्ट रोड है तो इसको डाइवर्ट किया गया है। और आज मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ कस्टमर आएगा, क्योंकि पूरा सामने से ब्लॉक हो रखा है। देखो पूरा सामने से ब्लॉक है, ठीक है, कोई चांस ही नहीं है, पूरा सामने से ब्लॉक हो रखा है। तो ये देखो ये मशीनें लगी हुई हैं, सामने काम चल रहा है। तो मैं शाम तक तो सोच नहीं सकता कि यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको। तो चलो वही एक आपके लिए वीडियो के लिए कंटेंट मिल गया, तो वो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो बाकी दुकान का थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, है ना, डेकोरेट वगैरह, क्योंकि मैं जब शॉप पे रहता हूँ तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की सोचता हूँ और क्रिएटिव करता हूँ। तो चलो दोस्तों मैं आगे का और दिखाऊंगा आज। सो गाइस मैं आपको अभी एक चीज दिखा देता हूँ कि हमारा जो कल गड्ढा हुआ था बहुत गंदे वाला हाल था, तो अभी ये जेसीबी ने मतलब कि बराबर कर दिया। तो सोचो कल कितना बुरा हाल था, वो काम कर रहे हैं और अभी ये बराबर कर रहे हैं। वहां पे कुछ ना फॉल्ट हो गया, कुछ आई थिंक पाइप को टूट गया इसलिए काम रुक गया। अदरवाइज मतलब कि ये वाला जो अगर देखा जाए ना, ये बहुत ही मतलब मजेदार है, और मजेदार इसलिए कि मतलब एक दिन के अंदर इतना बढ़िया काम कर गए और ये भर दिया। देखो लग ही नहीं रहा है कि वही काम हुआ है ना। तो तब भी थोड़ी मिट्टी हमने यहाँ पे एडजस्ट करवा दी है कह के जेसीबी के टायरों से, क्योंकि बस रोड बनेगा फिर वो बात का बात है, ये गैरेज है बगल में। तो पर चलो बढ़िया हो गया अब। तो चलो फिर वीडियो की एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।